हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले टॉपिक में एक मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक है। ये पैराग्राफ एंड होगा तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने फ्लक्स लिखा है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो आपके पास लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बाद में बताऊंगा। पहले देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखें इसके अंदर से 1, 2, 3, 4 लाइन्स पास हो रही हैं, यानी कौन सी लाइन? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। और इसके अंदर से 8 हो रही है पास, तो इसका फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स 4 है। जो इसमें इधर से पास हो रहा है, जो इधर से पास हो रहा है, वो 8 है मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसी तरह ये सरफेस है, उसके अंदर से कितनी लाइंस पास हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 6 है, यानी 6 लाइंस पास हो रही हैं। और ये सरफेस क्योंकि लेटी हुई है, यानी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसके अंदर से कोई भी पास नहीं हो रही। इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स है 0। तो फिर आपको पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन वो क्या है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, जो किसी सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही वही फ्लक्स है। बहुत इजी टॉपिक है। तो फिर आपने ये देखना है कि फ्लक्स, ये मैंने काट दिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स भी ठीक है, लेकिन इसकी बजाय एक वर्ड लिख लेना, फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखें ये फ्लक्स मैक्सिमम था, यानी ज्यादा लाइंस पास हो रही कब? जब ये सरफेस परपेंडिकुलर हो लाइंस के, और जब यही सरफेस पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो फिर इसका फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी 0 है इधर। तो लिखा है इट विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये तो था मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब आपकी बुक में उन्होंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये बनेगी अब यहां से, एज के बाद, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, ये एनी काट के इसकी बजाय यूनिट सरफेस के बाद एरिया लिखो, तो यानी इसकी जगह क्या बनेगा? यूनिट सरफेस एरिया। उसके बाद ये भी शामिल करना है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये वाला इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखें जी। अब आपकी ये वो डेफिनेशन बन गई, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी प्लीज ये मॉडिफाई कर लें।